अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स इंतहाई आसान अंदाज से। और आज लेसन नंबर है 62। हम सीख रहे हैं प्यूपल 2। तो चलें देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज फ्रांस, इनमें से फ्रांस कौन सा है। फ्रांस को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? फ्रांसिया। फ्रांसिया, आगे बढ़ते। नो, यो नो वीवो इन इंग्लैंड। नो, यो नो वीवो इन इंग्लैंड। दोबारा सुने। नो, यो नो वीवो इन इंग्लैंड। नो, यो नो वीवो इन इंग्लैंड। इसका मतलब होता है नहीं, मैं इंग्लैंड में नहीं रहता हूँ। दोबारा सुनिए। नो, यो नो वीवो इन इंग्लैंड। No, you know vivo in Inglaterra। क्या मतलब होगा इसका? नहीं, मैं इंग्लैंड में नहीं रहता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? No, I don't live in England। नहीं, मैं इंग्लैंड में नहीं रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से इंग्लैंड? इंग्लैंड को आप किस तरह से कहते हैं स्पेनिश में? इंग्लैंडरा। इंग्लैंडरा, आगे बढ़ते हैं। सारा वीवे इन स्टेट्स यूनाइटेड। दोबारा सुनिए। सारा वीवे इन स्टेट्स यूनाइटेड। सारा वीवे इन स्टेट्स यूनाइटेड। सारा यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है। दोबारा सुनिए। सारा वीवे इन स्टेट्स यूनाइटेड। इसका क्या मतलब होगा? सारा यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? सारा लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। तू विवेस इन ऑस्ट्रेलिया। तू विवेस इन ऑस्ट्रेलिया, तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। दोबारा सुनिए। Tú vives en Australia. Tú vives en Australia. क्या मतलब होगा? तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? You live in Australia. तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। आगे बढ़ते। Vives en Francia, Julia. दोबारा सुनते। Vives en Francia, Julia. Vives en Francia, Julia. Vives en Francia, Julia. इसका मतलब होता है जूलिया, क्या तुम फ्रांस में रहती हो? इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? Do you live in France, Julia? आगे बढ़ते। Yo no vivo en Europa. Yo no vivo en Europa. दोबारा सुनिए। Yo no vivo en Europa. Yo no vivo en Europa. इसका मतलब होता है मैं यूरोप में नहीं रहता हूँ। ठीक है, दोबारा सुनिए। Yo no vivo en Europa. क्या मतलब होगा इसका? मैं यूरोप में नहीं रहता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? I do not live in Europe. मैं यूरोप में नहीं रहता हूँ। आगे बढ़ते। Tienes una casa en España? Tienes una casa en España. इसका मतलब होगा क्या स्पेन में तुम्हारा एक घर है? दोबारा सुनिए। Tienes una casa en España? Tienes una casa en España. क्या स्पेन में तुम्हारा एक घर है? ये जो कासा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है घर, हाउस। इसी जुमले को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे? डू यू हैव अ हाउस इन स्पेन? क्या स्पेन में आपका एक घर है? आगे बढ़ते। हाउ डू यू से हाउस? हाउस को आप किस तरह बोलते हैं? हाउस मतलब होता है घर, तो हाउस को आप
स्पेनिश में क्या बोलेंगे? कासा। आगे बढ़ते हैं। तू नो क्यरेस विवीर इन मेक्सिको। तू नो क्यरेस विवीर इन मेक्सिको, इसका मतलब होता है तुम मेक्सिको में रहना नहीं चाहते। दोबारा सुनिए। तू नो क्यरेस विवीर इन मेक्सिको। तू नो क्यरेस विवीर इन मेक्सिको, क्या मतलब होगा? तुम मेक्सिको में रहना नहीं चाहते। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? यू डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन मैक्सिको, तुम मैक्सिको में रहना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू लिव इन यूरोप, इसका क्या मतलब होगा? मैं यूरोप में रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव इन यूरोप, इसका क्या मतलब होगा? मैं यूरोप में रहना चाहता हूँ। इसी जुमले को स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? इन तीनों में से देखते हैं हम कौन सी ट्रांसलेशन सही है। हम भी देखें, वीडियो को रोके। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, यो केरो विवेर इन यूरोपा, मैं यूरोप में रहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। हाउस, हाउस मतलब होता है घर, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं? कासा। थैंक्स, थैंक्स मतलब होता है शुक्रिया, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे थैंक्स को? ग्रासियस। मनी, मनी मतलब होता है पैसे, तो स्पेनिश में क्या होगा? डिनेरो। एलिगेंट को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? एलिगांते। रेड, रेड मतलब होता है लाल, तो स्पेनिश में क्या होगा? रोजो। आगे बढ़ते। डू यू लिव इन यूरोप, क्या आप यूरोप में रहते हो? जस्ट अ सेकेंड, शोर हो रहा है। डू यू लिव इन यूरोप, क्या आप यूरोप में रहते हो? ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा। और इसी जुमले को स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? इन तीनों में से सही ट्रांसलेशन है ये वाली, टू विवेस इन यूरोपा, क्या आप यूरोप में रहते हो, या क्या तुम यूरोप में रहते हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Usted vive en Francia, señor. Usted vive en Francia, señor. Señor. इसका मतलब होता है जनाब, क्या आप फ्रांस में रहते हैं? दोबारा सुनिए। Usted vive en Francia, señor. Usted vive en Francia, señor. क्या मतलब होगा? जनाब, क्या आप फ्रांस में रहते हैं? इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम इंग्लिश में? Do you live in France, sir? क्या आप फ्रांस में रहते हैं जनाब? आगे बढ़ते हैं। Julia, vives en México? Julia vives in Mexico. Julia, Julia बोलते हैं जूलिया को। Julia vives in Mexico. जूलिया, क्या तुम मैक्सिको में रहती हो? इसी जुमले को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? जूलिया, do you live in Mexico? आगे बढ़ते हैं, माइक नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।